हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ ठीक होंगे. ओके, सीली सोसाइटी के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़े में आप सबका यहाँ पर स्वागत है. बच्चों, वेलकम बैक. आज हम सीखेंगे पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी. आओ लिखना सीखें. आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज की इस क्लास में आओ लिखना सीखें. तो देखिए वहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 निकालना है. मेरा मतलब है आपको अपनी किताबें निकालनी है और उसमें क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 6 और 7 निकालना है. ओके, तो हम क्या करेंगे पहली कक्षा के लिए आओ लिखना सीखें. पेज नंबर 6 और 7 आपको क्या करना है, निकालना है. तो चलिए बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालिए. तो देखिए बच्चों वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 7 पर आपको, सॉरी पेज नंबर 6 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको वर्णमाला दिखाई दे रही है ना बच्चों. वर्णमाला में होने वाले स्वर यहाँ पर दिए गए हैं. क्या किया गया है बच्चों, वर्णमाला में होने वाले स्वरों को यहाँ पर दिया गया है, उन्हें हमें क्या करना है, उस पर ट्रस करना है, यानी कि उस पर लिखना है, लिखते हुए प्रैक्टिस करना है. तो चलिए बच्चों इसे हम किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है और जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ उसी तरह क्या करना है, लिखते हुए जाना है. ओके, तो देखिए बच्चों वहाँ पर अ को किस तरह से लिखा जाता है, अ को देखिए वहाँ पर, यहाँ पर जो डॉट दिए गए हैं पेंसिल लेना है और उन डॉट पर आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है. तो क्या करना है बच्चों, अ को डॉटों पर लिखना है, यानी ट्रस करते हुए जाना है. इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी अक्षरों पर लिखते हुए जाना है. ओके, तो देखिए अ को किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है. तो आपको क्या करना है बच्चों, अ को पूरी लाइन लिखनी है और पढ़ते हुए इसे कंप्लीट करना है. चलिए अ को लिखिए बच्चों, अ लिखिए, लिखा आप सभी ने. ओके, अ को लिखिए, देखिए वहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है, अ अ अ. ओके, नेक्स्ट अ के बाद क्या आता है बच्चों, आ. अ के बाद क्या आता है बच्चों, आ आता है. तो देखिए आ को किस तरह से लिखा जाता है, उसी तरह बिल्कुल अ की तरह. तो देखिए यहाँ पर अ लिखा और अ के बाजू में और एक लाइन खींची और क्या बन गया, आ बन गया. तो आ को क्या किया जाता है बच्चों, थोड़ा खींच कर उसका उच्चारण किया जाता है. तो बोलिए मेरे साथ बच्चों, आ आ. ओके, नेक्स्ट और आपको क्या करना है, अ को पूरी लाइन लिखनी है. अ को क्या करना है बच्चों, पूरी लाइन लिखते हुए उसे कंप्लीट करना है. तो चलिए बच्चों लिखिए, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, अच्छी तरह से लिखना है, यानी कि गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है. ओके, तो यहाँ पर आ लिखना है, आ कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट ई को लिखेंगे हम, ई को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए बच्चों ई को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लिखा जाता है, फिर लाइन पर इस तरह से, सॉरी. तो ई को किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ई को
देखिए यहाँ पर ई को इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से लिखा जाता है और ऊपर की ओर लाइन खींची जाती है। ओके, तो नेक्स्ट ई को कंप्लीट करेंगे हम। देखिए ई क्या है बच्चों, ये ई है, तो ई को क्या करना है, इसे लिखना है। किस तरह, इसका उच्चारण करते हुए इसे कंप्लीट करना है। हो गया बच्चों। नेक्स्ट ई के बाद बड़ी की बड़ा ई आता है यहाँ पर। ई के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ा ई आता है, तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ई की तरह, लेकिन लेकिन क्या, देखिए यहाँ पर ई को इस तरह से लिखा जाता है और ऊपर की ओर लेफ्ट से राइट की ओर यहाँ पर बेंड किया जाता है, झुकाया जाता है। तो लिखिए बच्चों ई को, ई को क्या है, इसे खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे ई, जैसे के ई। तो आपको क्या करना है, इस ई को पूरी तरह लिखना है, पूरी लाइन लिखनी है। तो लिखिए बच्चों ई को ठीक से अच्छी तरह डॉट पर लिखते हुए जाना है। ओके, तो कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट बड़ी के बाद क्या आता है बच्चों, ऊ। बड़ी के बाद क्या आता है, ऊ आता है। तो चलिए ऊ को किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे हम। तो देखिए ऊ को इस तरह किया जाता है, इस तरह लाइन दी जाती है। ऊ को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से और यहाँ पर लाइन दी जाती है। तो चलिए बच्चों ऊ को उच्चारण करते हुए इस लाइन को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो कंप्लीट कीजिए बच्चों। ऊ क्या हो गया, ऊ। तो आगे देखिए वहाँ पर ऊ की बात क्या आता है, बड़ी ऊ की मात्रा। क्या आता है बच्चों, बड़ी ऊ की मात्रा। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए इसे क्या करना है, मैं थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ऊ को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए ऊ, तो ठीक उस डॉट पर लिखते हुए जाना है। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हुए यहाँ हमें क्या करना है, ऊ की ऊ को कंप्लीट करना है, ऊ को थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हुए इसे क्या करना है, लिखना है। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, ऊ, ये क्या हो गया, ऊ हो गया। ओके, नेक्स्ट ऊ के बाद क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ऊ के बाद रू आता है। ऊ के बाद क्या आता है बच्चों, रू आता है। तो चलिए रू को हम उच्चारण करते हुए इसका, इसे किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे। तो ये क्या है बच्चों, ए री, रू को री कहते हैं, रू को हम री भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसका उच्चारण करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, री। कहिए बच्चों इसे क्या करना है, रीड करते हुए लिखते जाना है। तो चलिए यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे और इसे पूरा कंप्लीट लाइन में लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, री हो गया। तो समझ में आ गया ना बच्चों, अ किस तरह से लिखा जाता है, आ ई ई ऊ री। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 7 पर जाएंगे। तो नंबर 7 पर जो स्वर हैं उन्हें हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ए को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए को इस तरह और यहाँ पर इस तरह से लिखकर यहाँ ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों, ए। ये क्या है, ए। तो चलिए ए को पढ़ते हुए इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। ओके, ए ए
ओके नेक्स्ट ए के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, आई की मात्रा, आई। ए के बाद क्या आता है, आई। तो आई को किस तरह लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर इस तरह, बिल्कुल ए की तरह, लेकिन ऊपर की ओर एक लाइन खींची जाती है। ओके, इसे हम आई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आई कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आई लिखेंगे, आई, 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 आई। इसका उच्चारण करते हुए आई को हमने कंप्लीट किया। ओके, आई के बाद क्या आता है बच्चों, ओ। आई के बाद क्या आता है, ओ। ओ को किस तरह से लिखा जाता है, अ से अ लिखा जाता है, फिर यहाँ पर एक और लाइन खींची जाती है जिसे आ की तरह, और ऊपर की ओर एक लाइन दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। ओके, ओ को पढ़ते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। ये क्या है बच्चों, ओ। ये क्या है, ओ। तो चलिए बच्चों इस लाइन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओ, ये क्या है, ओ। ओके, नेक्स्ट ओ के बाद क्या आता है बच्चों, औ। ओ के बाद क्या आता है, औ। तो ओ को किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल ओ की तरह, लेकिन यहाँ पर एक लाइन खींची गई है ऊपर की ओर, लेकिन औ को क्या करना है, दो लाइन खींचने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण करते हुए इसे हम लिखेंगे, औ। क्या है बच्चों, ये औ। ओके, तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, औ, 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 औ। ओके, तो हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या है, औ को हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट अब औ के बाद कौन सी स्वर आता है बच्चों, औ के बाद यहाँ पर क्या है, अम है। औ के बाद क्या आता है बच्चों, अम, जिसे हम अम कहते हुए इसका उच्चारण करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अम लिखें, अ लिखा, फिर ऊपर की ओर एक बिंदु दिया, ये क्या हो गया बच्चों, अम। तो चलिए इसे उच्चारण करते हुए इसे पूर्ण करेंगे, अम, 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 अम। ओके, ए, ओ, औ, अम। अम के बाद क्या आता है बच्चों, आहा। अम के बाद क्या आता है, आहा। तो चलिए बच्चों आहा का उच्चारण करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो लिखिए बच्चों आहा। देखिए आहा को किस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल अ की तरह, लेकिन वहाँ पर दो डॉट दिए जाते हैं। अम और आहा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अयोग वाह कहते हैं। अम आहा को हम क्या कहते हैं बच्चों, अयोग वाह कहते हैं। तो चलिए आहा को हम कंप्लीट करेंगे, आहा, आहा, आहा। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, आहा हो गया। तो हमने कहाँ से कहाँ तक आज लिखना सीखा बच्चों, अ से लेकर आहा तक। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 को कंप्लीट कर मुझे लिख कर व्हाट्सएप करना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। ओके, तो आशा करती हूँ आज का यह जो आओ लिखना सीखे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में
स्वर और व्यंजनों को लेकर इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।